आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के फाइंडिंग्स के बारे में जो कल रिलीज किया गया। बजट आ रहा है 1 फरवरी को और अभी काफी चर्चाएं हो रही हैं इंडिया में और ग्लोबली कि किस तरह से हमारा बजट इस समय रहेगा और किस चीज को सरकार प्रायोरिटाइजेशन देगी। तो काफी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है इकोनॉमिक सर्वे से, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही है और वो किस तरह का पिक्चर दिखा रहा है इस समय में जो कोविड का काल है उस समय पे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट परंजॉय गुहा ठाकुर का। परंजॉय, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं परंजॉय आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी इंटरेस्टिंग चीजें वहां से निकली हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में और आगे का सत्र किस तरह से रहेगा उसके बारे में, तो आपके लिए क्या की फाइंडिंग्स आपको लगता है जो है इकोनॉमिक सर्वे की? देखिए, जो आर्थिक समीक्षा जो बजट के पहले पेश किया जाता वो वित्त मंत्रालय के जो जो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार देते हैं, यहाँ पे है कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम जी। एक तरह से ये एक सरकारी सरकार जो कहने चाहते हैं वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ रहेगा जो सरकार का खिलाफ। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण ये है जो ये इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा में नहीं कहा गया। जी, जैसे देखिए, वो बोला कि लॉकडाउन के बाद क्या बोला कि ये बहुत जरूरी था, नहीं तो लोगों का जीवन नहीं बचता। मगर एकदम चुप है, जीवन के साथ अब जीविका को नहीं जोड़ रहे हैं। आपने एक शब्द भी नहीं किया जो प्रवासी मजदूरों के बारे में, जो करोड़ों लोग को भारतवर्ष की एक जगह छोड़ के, शहर छोड़ के अपना गांव जाना पड़ा, 100 मील, हजारों मील पैदल गया इन्होंने, उनके बारे में भी एक भी लाइन नहीं लिखा। आपने एक भी बात नहीं किया कितने लोग को जाना पड़ा, किनका लोग का मौत हुआ, ये तो आर्थिक समीक्षा में नहीं लिखा हुआ है। और देखिए, अपने आप का तो गुणगान करना है, सरकार का गुणगान करना है, तो वही किया इन्होंने। जैसे देखिए, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इन्होंने कहा कि हाँ, ये आने वाले वित्तीय साल में जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा, भारतवर्ष का GDP 11% बढ़ेगा। और बोला कि नॉमिनल यानी कि आप इसमें से मुद्रास्फीति निकल देंगे तो 15.4% बढ़ेगा। और बोला कि भारतवर्ष का स्वाधीनता जब हुई थी 147 साल से, इतना जबरदस्त भारतवर्ष के GDP नॉमिनल ग्रोथ नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर कहानी तो और कुछ है। अब ये नहीं बताया कि जो जिस वित्त साल अभी भी चल रहे हैं, किस तरह से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था में कमियां हैं, किस तरह से हमारे देश के GDP कम हो गया, जो अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना में लगभग 24% कम हो गया। ये सरकार का आंकड़ा है, जो स्वाधीन अर्थशास्त्री है कि बोले इससे भी ज्यादा गया। बस वहां कहानी खत्म नहीं होता है। आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में कह रहे 7.5% कम हो गया आपका GDP, और फिर आप कह रहे हैं कि पूरा साल में, बाकी जो साल है बाकी, तो मतलब ये पहला अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 आपका देश का अर्थव्यवस्था या GDP लगभग 7.5% कम हो जाएगा। इससे पिछले साल का जो भी ग्रोथ हुआ था वो भी आपने 4.2 से 4 बना दिया। तो आप थोड़ा जो गणित समझते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स समझते हैं, आपको कहेगा कि अगर आप 2019-20 से तुलना करेंगे, सरकार खुद मान रहे हैं कि आने वाले वित्तीय साल में आपका जो ग्रोथ होगा, जो आपका जो सकल घरेलू उत्पाद का जो कितने में बढ़ेगा, बाबा 7.5% बढ़ेगा, 3% भी से भी कम है, 3% भी कम है। ये आप नहीं लोगों को बता रहे, आप दिखा रहे कि हमारे देश में हमारे जो करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस क्या है कि
हम जो आयात करते हैं और जो निर्यात करते हैं और जो पैसा आते हैं सरकार का खाता में, इसमें जो घाटा क्या है या घाटा नहीं बढ़ गया। और सरकार कह रहे हैं कि ये पहला बार 17 साल के बाद हमारे करंट अकाउंट में हम एक सरप्लस दिखाएंगे। मगर आप ये कहानी, ये क्या अच्छी चीज है? नहीं है, क्योंकि आपका अर्थव्यवस्था इतना खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? आप खुद कह रहे आपका देश जो निर्यात है वो 5.8% कम हो गया, होने वाले हैं इस साल में, और उससे ज्यादा जो आयात है, जो इंपोर्ट करते हैं हम विदेश से, इससे भी इसे दुगना यानी कि 11.3% कम हो जाएगा। ये क्या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? नहीं है, क्योंकि आपका आयात कम हो गया, क्योंकि आपका अर्थव्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रहे, आप टेक्निकल एक रिसेशन में है। तो मैं समझता हूं आप कह रहे हैं कि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, ये सबसे ऊपर जगह पहुंच गया। 8 जनवरी लगभग 586 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अरे बाबा, ये पैसा लेके आप क्या करेंगे? ये पैसा खर्च कीजिए ना। तो अच्छी अच्छी बात इन्होंने किया कि हाँ ठीक है, हमारे जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट अब बढ़ेगा, इसको सबको मालूम है, 3.5% कम ही नहीं रह सकता है। ये भी कहा कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और खर्चा होना चाहिए, हमने जीडीपी का 1% खर्च खोला है, 2.5% होना चाहिए, 3% और आज क्या? बहुत दशक से लोग कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आप जिस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, करना चाहिए नहीं कर रहे। तो महामारी के बाद आपको अचानक याद आ गया, जो लोग बहुत दशक से कह रहे हैं कि आपको और खर्चा चाहिए, करना चाहिए। हाँ सुवेदा, आप कुछ सवाल पूछने चाह रहे थे। जी, तो जहां तक फिस्कल डेफिसिट की जो आप बात कह रहे थे, जिस पे अगर हम चर्चा करें, तो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में काफी चीजों का जो दोष है वो कोरोना काल को भी दिया है। तो वो किस हद तक सच है कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, उससे उतने रिटर्न सरकार को नहीं मिले हैं और उतनी पूंजी उन्होंने जमा नहीं की है, तो उसका जो दोष है वो कोरोना को दे रही है सरकार? हाँ जी, अपना कमियां के लिए आप कोरोना को सारे दोष दे दीजिए, यही कर रहे हैं सरकार। और जो गलती पहले भी किया था वही दोबारा कर रहे हैं। आपने वित्तीय घाटा की बात करें, फिस्कल डेफिसिट, सबको मालूम है ये जो 3.5% कभी होना, कितना बढ़ेगा यही समान, यही समय बताएंगे। और सोमवार का दिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का बजट पेश करेंगे, हमें मालूम पड़ेगा 3.5% की जगह कहां तक पहुंचेगा, 5 जाएगा या 6 जाएगा या 7 जाएगा। देखिए, हमारे देश में, विश्व में, हर देश में सरकार घाटा के बाद भूल गया और खर्च कर रहे, और हमारे देश में हमें अभी भी मालूम नहीं है क्यों सरकार और खर्च नहीं कर रहा है। अभी अभी मैंने कहा कि हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडार है ज्यादा है, तो आप वहां से कुछ लेके अभी खर्चा कीजिए ना, नहीं कर रहे आप। और एक चीज और मैं जी, हमें, हम लोग सुन रहे कि ऐसा बजट होगा जो कभी हमने नहीं देखा, बजट लाइक नेवर बिफोर। हमें मालूम नहीं है कैसा होगा, मगर जिस तरह से आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, लग रहा है सरकार का जो सोच है उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। आप कह रहे हैं जो कृषि क्षेत्र है, एक तरह से ये बिजनेस एंटरप्राइजेस या कारोबार की तरह आप देखिए लाखों कृषक आज आंदोलन कर रहे हैं। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र का जो अनुदान है, जो सब्सिडी है, क्यों भारतवर्ष में, पूरा जब पूरा विश्व में आप कृषि क्षेत्र का अनुदान देते हैं? क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है, ये बिजनेस एंटरप्राइज बाकी सारे कारोबार की तरह नहीं है। बाजार के जो नियम, अधिनियम, नीति है, ये कृषि क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। मगर सरकार तो ये सुनने नहीं चाहते, कह रहे कि हमें ये जो अध्यादेश लाया, जो कानून लाया, जो हम जो आंदोलन कर रहे हैं कि ये काला कानून है, बोले इससे पहले हमने बहुत लोगों से चर्चा किया, बातचीत किया, परामर्श लिया, विमर्श, विचार विमर्श किया। आप बारीकी से आर्थिक समीक्षा पढ़िए, आप दिखाएंगे कि 2001 से अलग अलग समिति ने क्या सलाह दिया।
उन्होंने कहा कि ये मंडी सिस्टम हटा दीजिए, ये जो आवश्यक वस्तु का जो कानून है ये आप खत्म कर दीजिए, ये जो न्यूनतम साझा मूल्य है MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा नहीं चलना चाहिए, आप अनुदान का सिस्टम बदल दीजिए। ये आज के जो दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री है, जो सरकारी अर्थशास्त्री है, आज क्यों बहुत दशक से ये बात कर रहे हैं। मगर अब सचमुच ये अध्यादेश लाने के पहले, ये तीन कानून लाने के पहले आपने लोगों के साथ, जो कृषक है उनके साथ सचमुच बातचीत किया, विचार किया, उनके साथ बैठ के उनका विमर्श परामर्श आपने लिया, आपने इनसे बात कर रहे हैं, मगर आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट कहा इसीलिए हम कानून को कुछ दिनों के लिए हम बंद कर दिया, सरकार खुद कहा हम 1.5 साल कुछ नहीं करेंगे जी। मगर जो कृषक है वो कह रहे कि पूरा कानून रद्द कर दो, हटा दो, रिपील द लॉज। तो एक तरह से ये पर के आर्थिक समीक्षा अगर आप पढ़ेंगे, हमें लग रहा है कि सरकार का मानसिकता नहीं बदला, और यही हम देखेंगे आने वाले सोमवार का दिन आम बजट के समय, गहरे वी शेप्ड रिकवरी, जबरदस्त गिर गया, जबरदस्त आगे बढ़ेगा, पूरा विश्व में तो यही देख रहे हैं। मगर आप भारतवर्ष का आंकड़ा, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जैसे विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन लोग से आप इन आंकड़ा लेके देखिए, और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, भारतवर्ष की तरह ऐसा लॉकडाउन भी नहीं किया, और उनका अर्थव्यवस्था में हमारे देश में जितना कमी आया है वहां पे नहीं आया है, मगर सब जगह में तो वी शेप रिकवरी हो रहा है जी। तो इसमें नया क्या है? तो सरकार दिखाने के लिए, अच्छे अच्छे बात करने के लिए, हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, सरकार जो सुनने चाहते हैं, जो बताने चाहते हैं, वही आपको सुना दिया जी। और इन्हीं सवालों के साथ और इस एनालिसिस के साथ आज के ब्रॉडकास्ट को हम समाप्त करेंगे। हम वापस आएंगे बजट के दिन और भी इनसाइट्स के साथ, और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तो देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.